आगे देखिए। आप किस जगह पे काम कर रहे हैं? हाँ, हम सुपर स्टोर में काम कर रहे हैं, रिटेल सेक्टर में। मैं स्मार्ट बाजार में वर्क कर रही हूँ। अच्छा, यूनिचाम से। अच्छा, एज ए फायर टेक्नीशियन हूँ। अच्छा जी। और आप सर? फायर टेक्नीशियन। तो मैं वेलजियन फ्राई में काम कर रही हूँ। क्या फूड लाइन का काम है? लगभग कितनी सैलरी रिटेल सेक्टर में मिल रही हूँ? और लगभग स्टार्टिंग सैलरी पैकेज कितना मिल जाता होगा? स्टार्टिंग पैकेज मॉल के अंदर कितना मिल जाता होगा? मॉल्स में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है जिसके लिए लोग अप्लाई करना चाहते हैं। इस तरीके की अपॉर्चुनिटी के लिए लोग अप्लाई कैसे कर सकते? सारे लोग हैं जो मॉल में ना फूड लाइन में काम करना चाहते हैं, तो अप्लाई कैसे कर सकते? कितने घंटे काम करना होता है? आप किसी कंपनी से इंटरव्यू देते हो तो आपको सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन, आपको अगर आप खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं होगे किसी चीज के लिए तो आप दूसरी चीज को नहीं बता सकते। तो आपको एक ना सही गाइडेंस और सही नॉलेज की भी जरूरत है। आप उसी लाइन में जाइए जहाँ पे आपको जिस चीज की जॉब करनी है। हेलो एंड वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो ऑफ jobnow247.com। jobnow247.com की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप में से काफी सारे लोग हैं जो रिटेल सेक्टर में, आप देख सकते हैं कि मॉल के अंदर कितनी सारी शॉप होती है। आपको मैं दिखाना चाहूंगी कि कितनी सारी शॉप जो है मॉल के अंदर होती है, अलग अलग ब्रांड्स की, अलग अलग कंपनी की। और आज की इस वीडियो में हम स्पेशल वीडियो आप सभी के लिए लेकर के आए हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप अपना करियर इनमें से किसी भी शॉप में बनाना चाहते हैं तो आज के टाइम पर, यानी कि 2023 और कुछ दिनों बाद 2024 भी आ जाएगा, कितनी सैलरी यहां पर दी जा रही है और किस तरीके से आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड रहती है, सैलरी आपको कितनी जाती है, इंटरव्यूज में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ए टू जेड आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उन्हीं लोगों से जो कि यहां पर काम करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आप अपने लिए प्राइवेट सेक्टर की कोई जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहते हैं, अपना करियर प्राइवेट सेक्टर में बनाना चाहते हैं, तो jobnow247.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर काफी सारी जॉब अपॉर्चुनिटी पोस्ट होती है, उनमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरा नाम अंकुर। मैं कहाँ से? मैं बागपत से। और आप कहाँ से? मैं भी बागपत से हूँ। अच्छा, आप किस जगह पे काम कर रहे हैं अभी? हाँ, हम सुपर स्टोर में काम कर रहे हैं, रिटेल सेक्टर में। हाँ जी, यस। कितने दिन हो गए आपको ज्वाइन? अभी हमारा 2 वीक्स हुए। अभी हमको 2 वीक्स ही हुए हैं, मतलब अभी ज्वाइन करिए आप। अच्छा, जैसे हमारे साथ है ना बहुत सारे लोग जुड़े हैं, तो जैसे आज के टाइम पर अगर जैसे ये मॉल दिखाई दे रहा है, ऐसे में बहुत सारी दुकानें हैं, यहाँ पर अगर कोई काम करना चाहे तो कैसे अप्लाई कर सकते? एक अच्छा सा रिज्यूम बनाओ और जो हमारे HR होते हैं तो उनसे जाके डायरेक्ट मिलो तो जब हो जाता है। आपको कैसे पता चला था इस वैकेंसी के बारे में? ये मेरा एक दोस्त काम करता है यहीं पे, तो उसने बताया था मुझे। हाँ जी। अभी 2023 है, 2023 में लगभग कितनी सैलरी रिटेल सेक्टर में मिल रही हो? अभी तो मैम स्टार्टिंग तो 10-12 से होती है। देखो, अगर जितना एक्सपीरियंस गेन होता चला जाता है तो एक्सपीरियंस के उस पर अच्छी मिल जाती है, 19-20 समथिंग चली जाती है। और कुछ इंसेंटिव वगैरह भी मिलते हैं? हाँ जी, इंसेंटिव भी मिलता है। वो सेल्स के ऊपर होता है, जितनी सेल्स होती है तो उसकी वजह से इंसेंटिव मिलता है। प्रॉपरली मैंने पूछा था कि बोले थे कि 5,000 के ऊपर ही चला जाता है इंसेंटिव। हाँ जी। और जैसे जब आपने ज्वाइन किया था तो इंटरव्यूज में कैसे क्वेश्चंस पूछे थे? इंटरव्यू में पूछा था कि आप क्यों करना चाहते हैं, किस लिए करना चाहते हैं, कि इस फील्ड में क्यों आना चाहते हैं। तो हमने भी उनको बोला कि ये एक्सपीरियंस हो जाए हमें भी, और कस्टमर से कैसे बात करते हैं, अनजान लोगों से कैसे बात करते हैं, बस वही एक्सपीरियंस गेन करने के लिए तो हमने ये लाइन चुनी है। कितने घंटे काम करना होता है? यहाँ पे 9 घंटे की होती है ज्वाइनिंग तो। हाँ जी। आप क्या कहोगे कि ये नौकरी अच्छी है या नहीं? जैसे बहुत सारे लोग जो काम करना चाहते हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे? देखो, शुरू में तो बेसिकली प्रॉब्लम तो आती है हर फील्ड में, अगर एक्सपीरियंस हो जाए तो फिर उसी में आदत पड़ जाती है, फिर काम तो करना ही पड़ता है। हाँ जी, काम तो सब चीज उसमें करना पड़ता है। सो मैम, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम आकांक्षा है। अच्छा मैम, अभी आप कहाँ काम कर रहे हैं? मैं स्मार्ट बाजार में वर्क कर रही हूँ। अच्छा, यूनिचाम से। अच्छा, तो क्या आपको यहाँ पर काम करना होता है? मैम, हमारा जो वर्क होता है, एक्चुअली हमारा वर्क ये होता है कि जिस ब्रांड से हम लोग खड़े हैं, हम एक कंसल्टेंट है, SPC है, मतलब हम सेल्स प्रोडक्ट कंसल्टेंट है। हमें अपनी कैटेगरी के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में हर चीज की नॉलेज देनी होती है, कि जैसे कोई भी अगर पर्सन विजिट करता है या आप विजिट करते हो तो
हम आपको इस चीज के लिए गाइड करते हैं कि ये चीज इससे ज्यादा बेस्ट है या इससे ज्यादा बेटर है। तो अपनी कंपनी को प्रमोशन या आप कह सकते हो या फिर हम अपनी चीजों के बारे में आपको गाइड कर रहे हैं, ये काम हमारा होता है। अच्छा, जैसे आप कितने सालों से काम कर रहे हैं रिटेल सेक्टर? मेरे को मैक्सिमम 3 ईयर हो गए रिटेल। 3 ईयर्स हो गए। अच्छा, आपके पास मतलब इतनी नॉलेज है कि आप लोगों को गाइड कर सकते हैं इस सेक्टर के बारे में। तो एक और क्वेश्चन रहेगा कि आज के टाइम पर अगर कोई अप्लाई करना चाहता है रिटेल में, मॉल में बहुत सारी शॉप्स वगैरह रहती है, तो कैसे अप्लाई करें, क्या तरीका है? या तो आप जाके पता कर सकते हैं, या जिसी चैन होती है एक ही से थर्ड पार्टी होती है, या फिर हर कंपनी का एक अलग पॉलिसी होती है, तो वो अपने एक्टिविटीज या अपने जॉब रिक्वायरमेंट वो सब जॉब से रिलेटेड उसमें ही पता करनी होती है, जहाँ से आप कंपनी, या तो आपको किसी के पर्सन की हेल्प चाहिए या आपको स्टोर विजिट करके पता करना होगा। और लगभग स्टार्टिंग सैलरी पैकेज कितना मिल जाता होगा? मैक्सिमम जो फ्रेशर्स हैं वो 9+ लगते हैं, अगर आप किसी स्टोर से वर्क कर रहे हो तो, और अगर आप किसी कंपनी से वर्क कर रहे हो तो आपकी 12-13,000 सैलरी होगी। 12-13,000। अच्छा, कितने घंटे काम करना होता होगा? 9 आवर वर्क होता है मोस्टली फीमेल्स के लिए, और मेल के लिए 10+10। आप इतने साल से काम कर रहे हो तो आप क्या बोलना चाहोगे कि रिटेल में काम करना सही है, आसान है या नहीं है? वर्क कोई भी आसान नहीं होता, आप गवर्नमेंट सेक्टर में करते हैं तो भी टफ है और प्राइवेट करते हो तो भी टफ है, बट रिटेल ठीक है, हर चीज का हर वर्क का अलग अलग टाइम या अलग अलग चीजें होती है। जैसे हम रिटेल में वर्क करते हैं तो मैक्सिमम 9 घंटे की जॉब है, जिसमें आप 1 घंटे आपका लंच और 8 आवर्स आपको जॉब करने पड़ते हैं। जॉब अच्छी है बट लेकिन स्टैंडिंग जॉब है तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट उसके बाद ठीक है अगर आपको हैबिट हो जाए तो। इंटरव्यूज में लगभग कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? इंटरव्यूज में आपको मतलब जैसे अगर आप किसी कंपनी से इंटरव्यू देते हो तो आपको सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन, आपको अगर आप खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं होगे किसी चीज के लिए तो आप दूसरी चीज को नहीं बता सकते, तो आपको एक ना सही गाइडेंस और सही नॉलेज की भी जरूरत है। आप जिस ब्रांड से खड़े हो रहे हो ना, आपको उसके लिए एकदम एग्जैक्ट अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हम गलत बोल रहे हैं ना तो सामने वाले हमसे क्वेश्चन भी कर सकता है और उसको हम गलत नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब जहाँ पर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो पहले बात तो उसके बारे में आपको पता हो। हाँ, आपको पता होना चाहिए, कम से कम बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। मेरा नाम प्रदीप है। और सर आपका? आमिर। अच्छा, अभी आप सर क्या किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं? एज ए फायर टेक्नीशियन हूँ। अच्छा जी। और आप सर? फायर टेक्नीशियन। तो क्या काम करना होता है इसमें? हमारा ये जैसे मॉल है, इस मॉल के अंदर हमें फायर से रिलेटेड कभी भी कोई इमरजेंसी आ जाती है, मॉल कैसे खाली करवाना है, कोई फर्स्ट एड की इमरजेंसी आ, कहीं आग लग जाती है कैसे खाली करवाना है, लोगों को कैसे सेफ बाहर निकालना है, वो हमारी रिस्पांसिबिलिटी होती है, वो हमारी ड्यूटी है। अच्छा जी। तो सर जैसे मॉल्स में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है जिसके लोग लिए लोग अप्लाई करना चाहते हैं, इस तरीके की अपॉर्चुनिटी के लिए लोग अप्लाई कैसे कर सकते? देखिए वहाँ जैसे अब अलग अलग यहाँ पे शोरूम्स है, आप देख रहे होंगे बहुत सारे बड़े बड़े शोरूम्स है, तो यहाँ पे अगर किसी पर्सन को जो भी प्रोफाइल, चाहे वो सेल्स की है, चाहे मार्केटिंग की है, चाहे उसको किसी भी चीज का है, जैसे तो पर्सनली आके वहाँ के स्टाफ से मिलना पड़ेगा, वहाँ के एडमिन से मिलना पड़ेगा, एचआर से मिलना पड़ेगा, तभी जाके जानकारी मिले। डायरेक्ट जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। आप यहाँ भी जा सकते हैं लाइफस्टाइल के अंदर, शॉप स्टॉप के अंदर जाके वहाँ पे वैकेंसी पता चल जाती है। बाकी अगर ज्यादा बेटर ये है कि आप वहाँ के घूमने के पर्पज से जाए, किसी स्टाफ का नंबर ले ले और उस स्टाफ के कॉन्टेक्ट में रहे तो वो आपको जानकारी दे देगा। वैकेंसी तो साइडों पे भी आते हैं, जैसे आपका ज्वेलरी शॉप वगैरह हो गया तो वो अपना साइड पे डालते हैं, रिक्वायरमेंट डालते हैं, जो भी स्टाफ का रिक्वायरमेंट रहता है, प्रेशर का नो या फिर एक्सपीरियंस वाले का, जैसे हर एक सेक्टर में अलग अलग रहता है प्लेटफॉर्म। अब वैसे जिन्होंने ऐसे बताया कि आप एज ए आप कस्टमर बन के जाइए, अपना कम्युनिकेशन करिए, सीनियर से डिस्कस कीजिए और आपको जॉब किस उसमें चाहिए, पर्पज पे चाहिए, आपका रिटेल में जाना है, हॉस्पिटैलिटी में जाना है, या आप किस में जाना चाहते हैं, तो उस चीज़ का एक्सपीरियंस लेके आप उसी लाइन में जाइए जहाँ पे आपको जिस चीज़ की जॉब करनी है। आप फायदा क्या रिटेल में जाके, रिटेल की जॉब आप रिटेल का एक्सपीरियंस है, आप अगर हॉस्पिटैलिटी में घुसोगे वहाँ पे नहीं होगा ना आपका, तो आपका जिस लगभग स्टार्टिंग पैकेज मॉल के अंदर कितना मिल जाता होगा नॉर्मली अगर कोई 10th पास है या 12th पास? नोएडा का वही चल रहा है 10-11 या 12। देखिए अगर आप 10th-12th पास आउट हैं और कोई स्किल है आपके पास तो एवरेज आपको 14-15 करीब मिल जाएगा। यहाँ डिपेंड करता है कि मतलब कि लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड है या कस्टमर उसके थर्ड पार्टी के पर्पज पे, तो डिपेंड करता है उस चीज पे। सैलरी तो अच्छा अच्छा मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं, एक्सपीरियंस के हिसाब से रहता है। मैम सबसे पहला क्वेश्चन, मैं आपका नाम जानना चाहती हूँ। कोमल। अच्छा, तो अभी आप कहाँ काम कर रहे हैं? मैं वेलजन फ्राई में काम कर रही हूँ। अच्छा, तो क्या काम रहता है आपका? यहाँ फूड लाइन का काम है।
अच्छा हाँ. तो जैसे काफी सारे लोग हैं जो मॉल में ना फूड लाइन में काम करना चाहते हैं, तो अप्लाई कैसे कर सकते? तो वैसे ऑनलाइन तो होता नहीं है, यहाँ खुद ही आके मॉल में और जिस फूड लाइन में ही आके करना पड़ता है जॉब के लिए. अच्छा, खुद ही पूछना ही पड़ता है तो अप्लाई करना पड़ता है. अच्छा, तो जो सीनियर थे वे खुद ही मतलब रिज्यूम लेंगे, सब कुछ लेंगे तो हो जाता है. अच्छा, और क्या क्वालिफिकेशन मिनिमम रिक्वायर्ड? मतलब मिनिमम तो 12th पास ही होनी चाहिए, उससे नीचे नहीं लेते अब तो. मिनिमम 12th पास. अच्छा, 12th. क्या आना चाहिए अगर फूड लाइन में काम करें? फूड लाइन में मतलब जैसे घर का काम नहीं होता है, कटिंग वटिंग खाना बनाना मतलब यही होता है, इसमें सिंपल ही होता है. सबसे मेन बात है पढ़ाई करना और कटिंग करना, यही सब आना चाहिए. अच्छा, और कितना लगभग सैलरी पैकेज मिल जाता होगा? स्टार्टिंग तो 12th देते हैं. अच्छा, स्टार्टिंग 12 ही देते हैं. अच्छा, फिर उसके बाद बढ़ता है? बढ़ता है महीने के साथ, 6 महीने के अंदर बढ़ जाता है एक्सपीरियंस. अगर तुम काम अच्छा कर रहे हो ना तो जल्दी बढ़ जाएगा, 2 ही मंथ में. वैसे 6 महीने के बाद ही बढ़ाते हैं. अच्छा, काम कितने घंटे करना होता होगा? वही 8.5 घंटे. 8.5. हम खुद ही 10 बजे आते हैं, 7 बजे की छुट्टी होती है हमारी. अच्छा, तो मतलब आप क्या कहना चाहोगे, ये नौकरी सही है या नहीं या ठीक है? मजबूरी के लिए तो सब कुछ करना पड़ता है. तो हमारी मजबूरी है तो हम करते हैं काम, बस यही है कहना चाहती हूँ और कुछ. अच्छा, इंटरव्यूज वगैरह में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं? इंटरव्यू में यही पूछते हैं, आपने कहीं काम किया है? किया हो तो ठीक है, मतलब सैलरी पैकेज अच्छा देते हैं. अगर नहीं किया, तुम फ्रेशर हो, तो वही 12th देते हैं और काम सिखाएंगे, बस ये होता है. सो गाइस, हमने यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों से बात करी, उनके ओपिनियन जाने, इस वक्त रिटेल सेक्टर में कितनी सैलरी दी जा रही है और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में भी हमने ग्राउंड लेवल की पूरी जानकारी आपको दी. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कर देना और हमें सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लेना. मिलेंगे फ्रेंड्स अगली वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, कोई नई जानकारी के साथ. तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय.